जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हाय गाइस, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी अभी मेरे जो बड़े भैया हैं उनका आरआरसी रेलवे ग्रुप डी में सिकंदराबाद में सिलेक्शन हुआ है। तो जो आपको अभी जाना पड़ेगा डीबी और मेडिकल के लिए, तो उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो मैं आज आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो जो आपको लेके जाना है वो क्या क्या लेके जाना है और कितने कितने ले जाना है, कितने ले जाने हैं, कितने नहीं ले जाने हैं, वो आपको मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। और हमारा चैनल है ओनली टॉप 8081, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी वीडियो देखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। तो आइए गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको लेके क्या जाना है, आरआरसी डीबी और एंड मेडिकल के लिए लेके क्या क्या जाना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या लेके जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, और वो भी लेके कौन से जानी है, ओरिजिनल वाली मार्कशीट की फोटो कॉपीज लेके जानी है, टू, ठीक है। तो कितनी कॉपी लेके जानी है, कॉपी लेके जानी है आपको टू, और वो भी लेके कौन से जानी है, ओरिजिनल वाली, ठीक है, ओरिजिनल वाली लेके जानी है आपको। और इसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या आता है, आधार कार्ड। आधार कार्ड की आपको टू कॉपीज लेके जानी है। आधार कार्ड की कितनी कॉपीज लेके जानी है, टू कॉपीज। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधार कार्ड आजकल हर जगह पे लगता है, तो आप वैसे खे लगेगा जरूर, तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और कॉपी भी जरूर लेके जाना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है, पैन कार्ड। पैन कार्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर लेके जाना है पैन कार्ड, ओके। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आता है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट को यानी जाति प्रमाण पत्र आपको जरूर लेके जाना है, और कौन सा लेके जाना है, रेलवे फॉर्मेट में, ओके, जरूर बिल्कुल हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें आप। और फिफ्थ नंबर पे क्या लेके जाना है आपको, छह फोटोज, कलर्स फोटो, यानी कि इसका मतलब आपको कौन सी वाली फोटो लेके जानी है जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, ओके। अगर आप वैसी और दूसरी लेके नहीं आनी, वही लेके जानी है जो आपने फॉर्म में लगाई थी, ओके। तो देखो, सिक्स नंबर पे क्या आता है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा वाला लेके जाना है, PNBT वाला या DB वाला। DB वाला बिल्कुल जरूर लेके जाना है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट। और उसके बाद अदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आप वो ले जा सकते हैं। वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग तो DB रहा है, और हाई स्कूल की मार्कशीट ही बताई गई है, और कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल, ओके, ये जरूर लेके जाना है आपको। और आधार कार्ड तो आप जानते ही हो, हर जगह पर लगता जरूर है, इसीलिए ये जो मैंने आपको छह चीज़ें बताई हैं ये जरूर आपको लेके जानी है। अगर आप ये लेके नहीं जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपको जरूर लेके जाना है, जो मैंने बताई हैं आपको जरूर से जरूर लेके जाना है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।